जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम जो है वो ए से मेंशन करते हैं। एटॉमिक मास हर एलिमेंट का होता है, ठीक है जी। जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं या होंगे, हर का अपना पर्सनल एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास होता क्या है? बेसिकली आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर कुछ शेल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है जी। उनमें से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद एग्जैक्टली सेम होती है। अगर प्रोटॉन 5 होंगे तो बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन भी 5 ही होंगे, ठीक है जी। और ये चीज़ कहलाती है एटॉमिक नंबर। लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जैसे कि मैंने बताया क्या क्या चीज़ें होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद को जब आपस में आप कैलकुलेट करके उसका सम निकाल देते हो तो वो उसका बन जाता है एटम का एटॉमिक मास। यानी कि एटॉमिक मास बराबर किसकी होता है? पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी आपको नज़र आ रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मास मालूम करते हैं तो फार्मूला यही है पी प्लस एन। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास में आप कैसे निकाल सकते हो? पहले तो उसका स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर में उसका न्यूक्लियस उसका जो है वो एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 8 है, तो यानी कि प्रोटॉन की तादाद 8 है। बाहर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी आपको 8 ही नज़र आएगी। और जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद इसमें कितनी होती है? 8 होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप ऐड कर लेते हो तो ये कितना बन जाता है? 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ जाता है 16, ठीक है जी। इसी तरह सोडियम की अगर हम बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक मास 23 है। कैसे आया? इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जब आप प्लस करते हो तो इसका जो है वो एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है गर्ल्स।